कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अग्नि में भी हरि भक्त तो जल ना पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम होलिका दहन की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अग्नि में भी हरि भक्त तो जल ना पाते हैं, सुनाते हैं। भक्तों पे विपदा आई, तुमने ही लाज बचाई। भक्तों पे विपदा आई, तुमने ही लाज बचाई। भक्तों पे विपदा आई, तुमने ही लाज बचाई।
अपने ठाने, अपने ही सुत के वध की युक्ति बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु जी के जो भक्त कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों पे विपदा आई, तुमरे ही लाज बचाई। भक्तों पे विपदा होलिकाया मार दो तुम पहला।
जो सुनते सुनाते हैं। डीएस पाल है करता श्री हरि चरणों में वंदन, सोनो टेक चैनल पे कथा ये चलती है हर दिन। फौजी सुरेश से हंस राज रिलहन लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु जी के जो भक्त कहते प्रहलाद की कथा बड़ी है महान, प्रहलाद की कथा बड़ी है महान, प्रहलाद की कथा बड़ी है महान, प्रहलाद की कथा बड़ी है महान। जिसकी जान बचाने खातिर, जिसकी जान बचाने खातिर आए स्वयं भगवान। प्रहलाद की कथा बड़ी है महान, प्रहलाद की कथा बड़ी है महान। भक्तों, पुरातन काल में हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप और सहका नामक असुर अपने महलों में वास करते थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों हो चुका था और अब हिरण्याकश्यप और उसकी बहन सहका बचे थे। एक दिन की बात है भक्तों, सहका अपनी सखियों के सहित वन विहार कर रही थी कि तभी वहां पर विप्रचित नामक एक राक्षस आ जाता है और सहका के आगे विवाह प्रस्ताव रखता है। सहका कहती है कि हे विप्रचित, क्या तू नहीं जानता मेरा भाई महाबली हिरण्याकश्यप है? क्या तुझे उसके नाम से कोई भय नहीं है? इस पर विप्रचित कहता है कि यदि तेरा भाई हिरण्याकश्यप इतना ही बड़ा बलवान है तो ठीक है, कल मैं उससे मल्ल युद्ध करूंगा। यदि मैं परास्त हो जाता हूं तो मैं उसकी दास्ता स्वीकार कर लूंगा, और यदि वो परास्त हो गया तो तुझे मुझसे विवाह करना होगा। सहका यह शर्त स्वीकार कर लेती है, अपने भाई को जाकर सारी बात बताती है। हिरण्याकश्यप अपनी ताकत के मद में चूर मल्ल युद्ध करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन विप्रचित और हिरण्याकश्यप का मल्ल युद्ध होता है और जिसमें हिरण्याकश्यप परास्त हो जाता है। विप्रचित सहका से विवाह कर उसे अपने देश ले जाता है और इधर हिरण्याकश्यप अपमान की आग में जल रहा है। होके अपमानित वो तो अपने महलों में डोले, किस तरह बदला लूं मैं रात दिन ये ही सोचे। किस तरह बदला लूं मैं रात दिन ये ही सोचे। बीते कई वर्ष थे भक्तों वक्त का पहिया घूमे, अपने हृदय में वो तो भक्तों अपमान न भूले। अपने हृदय में वो तो भक्तों अपमान न भूले। हिरण्याकश्यप रहता भक्तों, हिरण्याकश्यप रहता भक्तों रोज ही परेशान। प्रहलाद की कथा बड़ी है महान, प्रहलाद की कथा बड़ी है महान। हरी कथा प्रेमी बंधु, हिरण्याकश्यप अपने हृदय में इस अपमान को लेकर जीता रहा। उसने अपने इस अपमान का बदला लेने हेतु भगवान ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की और इतनी कठिन तपस्या की कि भगवान ब्रह्मा को स्वयं प्रकट होना ही पड़ा। हिरण्याकश्यप की
भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वर मांगने को कहा, तो बदले में हिरण्यकश्यप ने अत्यंत बलशाली और अजर अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि बलशाली होने का वरदान तो मैं तुझे दे सकता हूं, परंतु अजर अमर होने का नहीं, क्योंकि ये सृष्टि के नियमों के विपरीत है। इस पर हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, तो ठीक है प्रभु, फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में, ना किसी मनुष्य के हाथों मरूं और ना किसी जानवर के, ना घर के भीतर मरूं और ना घर के बाहर। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इधर हिरण्यकश्यप ये वरदान प्राप्त करके अत्यंत बलशाली और निरंकुश हो जाता है। उसका विवाह कयाधु नामक स्त्री से होता है और उनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम प्रहलाद रखा जाता है। हिरण्यकश्यप ने सारे नगर में ऐलान करवा दिया कि आज से भगवान की भक्ति कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वयं उन सब का भगवान है और यदि कोई भगवान का नाम लेता पाया गया तो उसे तत्काल मृत्यु दंड दे देगा। अब हिरण्यकश्यप सर्वशक्तिशाली था, परंतु मन में आज भी अपने जीजा विप्रचित्र से मिली पराजय की टीस थी और इसी का बदला लेने हेतु एक दिन रात्रि में वो विप्रचित्र के महलों में जाता है और रात ही में उसकी हत्या करके वापस आ जाता है। उसकी बहन सहका रोती बिलखती रह जाती है, परंतु हिरण्यकश्यप पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीजा की हत्या करके लौट महलों को आया, बदला पूर्ण हुआ है, मन ने फिर चैन थपाया। बदला पूर्ण हुआ है, मन ने फिर चैन थपाया। उसका आतंक भक्तों दिनों दिन बढ़ता जाए, खुद को भगवान कहकर स्वयं को वो पुजवाए। खुद को भगवान कहकर स्वयं को वो पुजवाए। नारायण को जो जपता था, नारायण को जो भी जपे उसे पहुंचाता शमशान। प्रह्लाद की कथा बड़ी है महान, प्रह्लाद की कथा बड़ी है महान। परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था भक्तों। पूरे विश्व में नारायण का सबसे बड़ा शत्रु जो था, उसका स्वयं का पुत्र प्रह्लाद नारायण का उतना ही बड़ा भक्त था। बचपन से ही दिन रात श्री हरि नारायण की धुनी लगा के रखता। और फिर वो दिन भी आ गया भक्तों, जब बालक प्रह्लाद हरि नाम का जाप कर रहा था कि तभी हिरण्यकश्यप वहां पहुंच जाता है। श्रीमन नारायण की धुनी प्रह्लाद तो गाए, शाम सवेरे बालक नारायण को ही ध्याए। शाम सवेरे बालक नारायण को ही ध्याए। अपने ही बालक को जब नारायण भजते देखा, क्रोध की उसकी माथे खिंच गई भक्तों रेखा। क्रोध की उसकी माथे खिंच गई भक्तों रेखा। बालक को समझाने लगा वो, बालक को समझाने लगा, अरे मैं हूँ तेरा भगवान। प्रह्लाद की
की कथा बड़ी है महान, प्रहलाद की कथा बड़ी है महान। मारे क्रोध के हिरण्याकश्यप के हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो उसे मारने को दौड़ा, फिर सोचा अपना ही बालक है, यदि समझाने से काम बन जाए तो अच्छा होगा। बोला, पुत्र ये तू किसका नाम जप रहा है? इस सृष्टि का केवल एक भगवान है और वो हूं मैं। बालक प्रहलाद हंस पड़ा और बोला, पिताजी मैंने तो वेदों में पुराणों में पढ़ा है कि इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु हैं। फिर आप भगवान कैसे हो सकते हैं? इतना सुनना था कि हिरण्याकश्यप आग बबूला हो उठा और जोर जोर से अपनी पत्नी कयाधु को बुलाने लगा। कयाधु बेचारी दौड़ी दौड़ी हिरण्याकश्यप के पास आई। बोला, कयाधु या तो इस मूर्ख बालक को समझा दे, अन्यथा इसको विष पिलाकर मार दे। कल सुबह या तो ये मेरा नाम जपता मिले, अन्यथा मैं इसे मृत देखना चाहता। कयाधु ने प्रहलाद को समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद उसे तो हरी लगन लगी हुई थी। भारी मन से कयाधु ने उसे विष का प्याला दे दिया और भक्त प्रहलाद श्रीमन नारायण हरि हरि कहता हुआ उस विष को शहद समझकर पी गया। नारायण हरि की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। जब यह बात हिरण्याकश्यप को ज्ञात हुई तो वो और भी क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दो। परंतु हरि कृपा देखिए भक्तों, ऊंचे पहाड़ से गिरने पर भी प्रहलाद का बाल तक बांका ना हुआ और वो भला चंगा खड़ा हो गया। सैनिकों को समझाने लगा कि वो भी हरि नाम का गुणगान करें। अब तो हिरण्याकश्यप के क्रोध का कोई अंत ना था। उसने हर तरीके से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, पानी में डुबोया, जंगली जानवरों के आगे फिकवाया, दीवार में चुनवाया, धरती तक में गड़वा दिया, परंतु हर बार हरि कृपा से हर बार बचता चला गया। अब हिरण्याकश्यप ने मन में सोचा कि इसका कोई ना कोई उपाय तो करना होगा। वो जानता था कि उसकी बहन सहका को यह वरदान प्राप्त है कि अग्नि उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। उसने अपनी बहन को बुलवाया, बोला, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि की चिता पर बैठ जाए, तू तो बच जाएगी बहना और ये मूर्ख उस अग्नि में भस्म हो जाएगा। फागुन का महीना था भक्तों, सूखी लकड़ियों की चिता बनवाई गई। निश्चित समय पर सहका प्रहलाद को गोद में बिठाकर चिता में बैठ गई। परंतु जब बालक प्रहलाद को हंसते देखा तो हैरान हो गई। प्रहलाद भी मुस्कुराते हुए बोला, बुआ मेरी चिंता मत करना, मेरी रक्षा मेरे श्री हरि विष्णु करेंगे। चिता को अग्नि दी गई भक्तों, और फिर चमत्कार हो गया। जो अग्नि सहका का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, वही सहका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद नारायण हरि कहता कहता अग्नि से सुरक्षित बाहर आ गया। और भक्तों, चूंकि सहका नारायण हरि की धुनी सुनते सुनते मरी थी, इसलिए वो होलिका के नाम से जग में प्रसिद्ध हो गई। और आज भी भक्तों, होली का त्योहार बिना होलिका दहन के पूर्ण नहीं होता। अग्नि की चिता सजाई, बहन सहका बुलवाई, प्रहलाद को उसकी गोदी दिया भक्तों बैठाई। प्रहलाद को उसकी गोदी दिया भक्तों बैठाई। प्रहलाद ने हरि धुन गाई, अग्नि ने सहका जलाई,
हरि का नाम सुना था, होलिका वो कहलाई। हरि का नाम सुना था, होलिका वो कहलाई। अमर हो गई होलिका भक्तों, अमर हो गई होलिका भक्तों, सुन भगवान का नाम। प्रह्लाद की कथा बड़ी है महान, प्रह्लाद की कथा बड़ी है महान। अब हिरण्यकश्यप अंतिम प्रयास करता है भक्तों। उसने एक लौह स्तंभ बनवाया, उसे इतना गर्म करवाया कि वो सुर्ख लाल आग का गोला बन गया। प्रह्लाद से बोला कि यदि तेरा नारायण कण कण में है तो इस खंबे में भी अवश्य होगा, जा इस खंबे से जाकर लिपट जा। जी पिताजी कहकर प्रह्लाद नारायण हरि कहता कहता खंबे के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक चींटी खंबे पर चल रही है। भक्त प्रह्लाद का विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि जब श्री हरि की कृपा से इस छोटी सी चींटी का कुछ नहीं बिगड़ा तो भला मेरा क्या बिगड़ेगा। श्री हरि भगवान को याद करते करते प्रह्लाद खंबे से चिपक जाता है और फिर वही चमत्कार, उसका बाल भी बाका नहीं होता। अब हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा, अपनी खड़ग निकालता है और जैसे ही प्रह्लाद को मारने जाता है अचानक जोर की गर्जना होती है और एक धमाके के साथ वो खंबा फट जाता है और उसमें से भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं। आधे शरीर से सिंह और आधे शरीर से मानव, यानी कि न तो आदमी और न ही जानवर। क्रोध में सिंह की दहाड़ करते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी भुजाओं में उठा लिया और उसे महल की दहलीज पर ले आए, यानी कि न तो पूरी तरह भीतर और नहीं पूरी तरह बाहर। सांझ का समय था, यानी नहीं दिन और नहीं रात। उसे अपनी जंघाओं पर लिटा लिया, यानी नहीं भूमि पर और नहीं आसमान पे, और अपने बैने नाखून उसके पेट में गाड़ दिए और उसका पेट अपने नाखूनों से फाड़ दिया। नाखून यानी ना कोई अस्त्र और ना कोई शस्त्र। हिरण्यकश्यप के प्राणों का अंत हो गया भक्तों, और ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया। परंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने पर नहीं आ रहा था। इस पर बालक प्रह्लाद भगवान नरसिंह की गोद में चढ़ गए और श्रीमन नारायण की धुनी की स्तुति करने लगे। भगवान शांत हो जाते हैं भक्तों। भक्त प्रह्लाद को ढेर सा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रह्लाद ने खंबा पकड़ा, खंबा भक्तों फट जाए, नरसिंह अवतार भक्तों खंबे से बाहर आए। नरसिंह अवतार भक्तों खंबे से बाहर आए। गोद में पापी लिटाया, नाखून अपना चमकाया, घोप के पेट में नाखून पापी को मार गिराया। घोप के पेट में नाखून पापी को मार गिराया। आधा सिंह बन गए विष्णु जी, आधा सिंह बन गए विष्णु जी, आधे बने इंसान। प्रह्लाद की कथा बड़ी है महान, प्रह्लाद की कथा बड़ी है महान। तो देखा आपने भक्तों,
किस तरह अपने परम भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और पापी हिरण्यकश्यप के प्राणों का अंत किया। तो ये थी भगवान श्री हरि विष्णु और उनके परम भक्त प्रहलाद की पावन कथा। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रहलाद की कथा बड़ी है महान, प्रहलाद की कथा बड़ी है महान, प्रहलाद की कथा बड़ी है महान, प्रहलाद की कथा बड़ी है महान। जिसकी जान बचाने खातिर, जिसकी जान बचाने खातिर आए स्वयं भगवान, प्रहलाद की कथा बड़ी है महान, प्रहलाद की कथा बड़ी है महान।